नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पे। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। और इस बार हिट फिर हुए हैं अडानी उद्योग समूह, और इसे हिट और किसी ने नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है खोजी पत्रकारों का, OCCPR। इन्होंने कुछ ऐसी खबरें आज द गार्डियन और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उनकी एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट से पूरे देश में हड़कंप मचा है। शेयर मार्केट में भी अडानी के शेयर्स नीचे लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि रिपोर्ट माने, सही माने इस रिपोर्ट के तथ्य जो सामने लाए हैं, तो समझ में आता है कि कितना बड़ा गड़बड़झाला इस देश में हो सकता है। अडानी समूह के 75% शेयर जो तथाकथित पब्लिक होल्डिंग बताई जाती है, ये इन्हीं लोगों के हैं, इनके अपने लोगों के हैं, कुछ जगह इनका अपना पैसा लगा है, ऐसा रिपोर्ट कहती है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तो अडानी ये बोल के बच गए कि ये शॉर्ट सेलर है, प्रॉफिट के लिए करता है, बदनाम करने के लिए करता है। और अपने ऊपर आए हुए इस हमले का उन्होंने देश पे हमला बताया। इस हमले को तिरंगे में लपेट के उन्होंने अपने आप को देश प्रेमी, देश के विकास के लिए दिन रात मेहनत करने वाले उद्योगपति के रूप में ढाला, और ये देश की अस्मिता पे और देश के विकास में रोड़ा अटकाने वाला हमला बताया। शेयर मार्केट में भी लोगों को लगा कि नहीं, अडानी जी सही कह रहे हैं। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जब सेबी को भी कहा कि आप भी इंक्वायरी कर रहे हैं, हमको भी इंक्वायरी की रिपोर्ट दीजिएगा, उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। सेबी की रिपोर्ट जरूरी कहती है कि 13 कंपनियों के जो बाहर के ओवरसीज़ कंपनी हैं, खासकर मॉरिशियस, बरमूडा, ऐसे जो टैक्स हेवन के कंपनीज़ हैं, वहाँ की कंपनीज़ का पैसा तो भारत में लगा है अडानी में, लेकिन उनमें किसका पैसा लगा है ये हम बता नहीं पा रहे हैं। वी आर हिटिंग द वॉल, उन्होंने कहा कि आखिर हम जाके एक दीवार मिलती है, उस पर सर फोड़ना पड़ता है, ये पैसा कहाँ से आया ये बता नहीं पाते। लेकिन OCCPR के लोगों ने कड़ी मेहनत करके वो भी बता दिया कि दे हैव हिटन द वॉल, दे हैव ब्रोकन द वॉल, उन्होंने उस दीवार को तोड़ के आगे की कहानी बताई। उन्होंने जो पहली रिपोर्ट उनकी जो पेश हुई है, उसमें दो नाम प्रमुखता से आते हैं, नासिर अली शबनम अली और चैंग चुंग लिंग, एक ताइवान के है, दूसरी UAE के है। ये दोनों सज्जन, इनकी जो कंपनी है, दोनों की जो कंपनियां हैं अलग अलग, जो मेजर कंपनियां, जिनका नाम मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड EIFF, और दूसरा है EM रिसर्जेंट फंड। अब ये दोनों कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, इन कंपनी को पैसा कौन दे रहा है? लिंगो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड चैंग की कंपनी है, गल्फ एरीज ट्रेडिंग FEZ अली की कंपनी है UAE की, फिर मिड ईस्ट ओशन ट्रेड मॉरिशियस की अली की कंपनी है, एक और कंपनी है गल्फ एशिया ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, वो अली की कंपनी है, और एक है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड बरमूडा की। अब ये पांच कंपनियां इमर्जिंग इंडिया फंड फोकस फंड EIFF और EMRFF में पैसा लगाती हैं। अब 2016 में EIFF और EMRF के पास अडानी के चार कंपनियों के, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, इसके 8 से 14% शेयर इन्हीं दो कंपनियों के पास थे। तो आप इन्वेस्टमेंट का क्वांटम कैसा है समझ सकते हैं। अब ये चांग और अली कौन है? चांग और अली ये अडानी के पारिवारिक मित्र है। कुछ कई कंपनियों में, खासकर 2007 में जब DRI ने इलीगल डायमंड ट्रेड का एक स्कैंडल हो गया था, डायमंड ट्रेड का, उसको जब DRI ने अडानी कंपनी को पकड़ा था,
उसमें चैंग जो है हांगकांग में अडानी के 3 कंपनियों में डायरेक्टर था और अली की एक ट्रेडिंग फर्म थी जो इस स्कैंडल में इन्वॉल्व थी। अब चैंग और विनोद अडानी जो अडानी जी के बड़े भाई है, इन दोनों का सिंगापुर में रेसिडेंस एड्रेस एक ही है, यानी एक ही पते पे एक साथ रहते हैं, इनकी घनिष्ठता समझ सकते हैं। 2014 में फिर DRI ने एक अडानी पे केस किया। केस ये था कि अडानी पावर जनरेशन के जो इक्विपमेंट मंगाते हैं जो पावर प्लांट में लगाने के लिए, वो अपने ही एक सब्सिडरी कंपनी से मंगाते हैं और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बता के उसको ज़्यादा पैसे देते हैं। तो करीब करीब 1 बिलियन रुपीज जो है ये उन्होंने बाहर भेजे हैं, जो अपनी ही सब्सिडी, मुझे अपनी ही कंपनी से अपनी ही कंपनी के लिए ख़रीदना और इतने ऊंचे दाम पे ख़रीदना कि वो पैसा लीगली देश के बाहर जाता है। और फिर ये जो सब्सिडरी कंपनी है इसमें चैंग अली और विनोद के डायरेक्टर हैं, UAE और मॉरिशियस में ये लोग काम करते हैं। अब एक जो इस फाइंडिंग में और मिली है और जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी के कंपनी के लोग ही चैंग और अली के कंपनी को ये बताते थे कब, कैसे और कहाँ अडानी के ग्रुप में शेयर खरीदने हैं। कंपनी को पता था कि अब शेयर बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा अनाउंसमेंट करने के पहले शेयर खरीदवाते थे, फिर ये अनाउंसमेंट होता था, फिर शेयर बढ़ते थे, तो चैंग और अली ये दोनों वो शेयर बेच के वापस मोटा कमाई करते थे और ये कमाई सीधी विदेश जाती थी क्योंकि ये बाहर का इन्वेस्टमेंट था। और जब ये विदेश जाते थे फिर सस्ता माल होता था, नीचे आते थे शेयर, फिर ये खरीदते थे, फिर अडानी उनको बोलता था अब खरीद लो, सबसे सस्ते हैं फिर महंगे हो सकते हैं। और ये लगातार ऐसे कई ईमेल मिले हैं इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को जिसमें से ये पता पड़ा है कि ये इनके मैनेजर उस कंपनी को इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते थे। अब इसमें अली और चांगी पैसा नहीं कमाते थे, ये पैसा फिर विनोद जी के पास वापस आता था क्योंकि विनोद जी एक कंपनी है, विनोद जी की एक्सल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अब ये जो एक्सलेंट इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड जो है, इसका मालिक जो है वो है एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी बेसिकली विनोद जी और उनके पत्नी की है। ये कंपनी मालिक है एक्सल इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी सर्विस लिमिटेड के। अब एक्सल ने अली और चैंग की दो कंपनियां जो है EIFF और EMRF इससे एग्रीमेंट किया कि आप हमको एडवाइस करिए कैसे शेयर खरीदने और कैसे नहीं, तो हम आपको उसका एडवाइजरी फी देंगे। और एक्सल को जून 2012 में $1.4 मिलियन की फीस भी मिली है, मतलब ये पैसा विनोद अडानी को भी शेयर हुआ है प्रॉफिट का। अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है, अब चैंग और अली को अडानी का ही पैसा गया इन्वेस्टमेंट में ये तो नहीं कह सकते, लेकिन एक DRI का पत्र है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि DRI के इस पत्र को SEBI ने 2014 में बंद डब्बे में क्यों डाला। इससे आपको पता पड़ता है कि 2014 के पहले जो कंपनी मात्र $8 बिलियन की थी अडानी ग्रुप, वो आज $260 बिलियन का हो गया है। 2014 से लेके 2023 तक ये जो तरक्की हुई है, ये तरक्की मात्र इसलिए है क्योंकि सैयाब है कोतवाल तो फिर डर का आएगा। 2014 के पत्र पे यदि SEBI एक्शन लेती तो शायद ये लोग जेल में होते। 2014 में DRI के जो तात्कालीन डायरेक्टर थे नजीब शाह, इन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में SEBI को ये लिखा है कि ये जो इंपोर्ट करने वाले जो अपने ही सब्सिडरी से माल इंपोर्ट करके ज़्यादा कीमत में
जो ज़्यादा पैसा वापस भेजते हैं विदेश, ये पैसा कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में वापस आ रहा है, हमको अंदेशा है। और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा FEZ एक कंपनी है जिससे ये इक्विपमेंट लिए गए हैं, वो कंपनी को जो एक्स्ट्रा पैसा गया है उस कंपनी ने वो पैसा $1 बिलियन मॉरिशियस की एक कंपनी है इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड को भेजा है। और ये जो इंफ्रा इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड मॉरिशियस की कंपनी किसकी है, विनोद अडानी की। मतलब एक इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा FEZ कंपनी है सब्सिडरी, उसको इन्होंने ऊंची कीमत में उसके इक्विपमेंट लिए, वो जो एक्स्ट्रा पैसा गया वो पैसा इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड को गया जो विनोद अडानी की है। और फिर ये जो इलेक्ट्रो इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड है जिसके पास $1 मिलियन गया, उसने वो पैसा एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कर्ज दिया शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और आश्चर्य की बात है कि इलेक्ट्रोजेन इंफ्रा होल्डिंग लिमिटेड के मालिक विनोद अडानी है, एसेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक विनोद अडानी है, यानी कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में देने वाला और लेने वाला की तरफ से, दोनों की तरफ से एक ही आदमी की सिग्नेचर है, विनोद अडानी। विनोद अडानी के बारे में अडानी ग्रुप कहता है कि विनोद जी हमारे यहाँ मैनेजमेंट में कोई दखल नहीं, लेकिन वो प्रमोटर है कंपनी के ग्रुप के। कुल मिला के ये जो गड़बड़ झाला है, जो अभी तक ये कह रहे थे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पैसे कमाने के लिए थी, अब इन इन्वेस्ट खोजी पत्रकारों की कारों का जो नेटवर्क है पूरे विश्व में, उनकी ये रिपोर्ट किस लिए है? उन्होंने तो जहाँ सेबी अटकी वो रास्ता भी खोल दिया। सेबी ने जा कहा कि हम दीवारों पे सर ठोक रहे हैं, पता नहीं कि ये पैसा किसका है। अब ये भी बताया कि चांग और अली का पैसा है। क्या हमारी सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी या फिर वहीं लिपापोती होगी? क्योंकि अडानी ग्रुप के लोगों को जब ये पूछा गया इन रिपोर्टरों ने, तो उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को रिहैश करके आप बता रहे हैं, लेकिन हिंडनबर्ग के रूप में अली का नाम नहीं था जो यहाँ पे है, उस कंपनी के ट्रेल नहीं थे जो वहाँ से है, वो ईमेल्स नहीं थे जो अडानी के लोग इन कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कंपनी के मैनेजर्स को गाइड कर रहे हैं। कई जगह ये भी बोल रहे हैं विनोद अडानी के कंपनी के लोगों को, वो लोग कह रहे हैं कि अरे भाई आपको एडवाइजरी पैसे भेजने हैं हमको, कुछ एक नाम के लिए रिपोर्ट तो भेजो कि जिसके हम कहें कि एडवाइस के नाम पे पैसे भेजते हैं, क्योंकि कई जगह ये काम टेलीफोनिक होता था। कुल मिला के इस रिपोर्ट ने फिर एक बार अडानी सेट को नंगा कर दिया। लेकिन क्या हमारे देश में इतनी मॉरल अथॉरिटी है? क्या प्रधानमंत्री जो विदेश से पैसे लाने की बात करते हैं, विदेश में अपने ही मित्र द्वारा पैसे भेज के फिर अपने ही कंपनियों में पैसे लगाने की बात होती है? क्योंकि मॉरिशियस एक ऐसा देश है जिसकी जितनी अर्थव्यवस्था है उससे कई गुना ज़्यादा उस देश से भारत में निवेश होता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। कि वहीं हवाला का पैसा बाहर जाता है और बाहर का पैसा ऐसा आता है। हाल ही में जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने जो 3,800 करोड़ रुपए मांगे, वो भी हायर इनवॉइस के थे। ये जो कोल सस्ता मिल रहा था उससे कई गुना ज़्यादा महंगा कोल अडानी ने ख़रीदा। अडानी ने भी उसी रेट में ख़रीदा होगा जिस रेट में मिलता है, लेकिन बिलिंग इनवॉइस बढ़ा करके वो जो पैसा बाहर भेजते हैं उसी पैसे से फिर इसी रूट से इसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से फिर अडानी के शेयर खरीदे जाते हैं। मतलब अडानी खुद ही अपने शेयर खरीदते हैं, खुद ही तेज़ी लाते हैं, खुद ही मंदी लाते हैं। इस तेज़ी मंदी के खेल में मरता है भारतीय निवेशक और कमाता है अडानी का ही वो फ्रंटमैन, चाहे चैंग हो, चाहे अली हो, या चाहे विनोद हो, या चैंग अली विनोद अडानी ये परिवार हो। आज इतना ही, फिर आता हूँ कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।